बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान है, रहीम है, करीम है, अव्वल है, आखिर है। सबसे पहले दुरूद सलाम, अस्सलात व सलाम अलैके रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बर्थडे का दिन है जी आज मेरा, और मुझे कोई वो सूरज भी उत्थों ही निकलिया, सब कुछ उंजी है, बिल्कुल उंजी है। बर्थडे हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक नया दिन अता किया, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, इज़्ज़त और तरक्कियों के साथ आपको, हमें अपने बच्चों की खुशियां देखना और एक सेहतमंद लाइफ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये देखें जी बर्थडे है, काम शाम कर रहा हूँ, वेलियाँ नहीं मारदा पिया मैं। बड्डे शुड्डे हो गई रात नू 12 बजे, ठीक है। यह वेखो कम करने पे हैं क्योंकि सुबह सुबह बड्डे साड़ी है। जहीम साहब का मैसेज आया जी, बाबा मैं साइकिल चला रहा था, मेरा टायर और ट्यूब दोनों फट गए हैं। तो जो है वो दिन का आगाज़ है, तो इसका मतलब है मसले भी साथ साथ हैं और मामला साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें मुझे क्या रिसीव हुआ है। ये मैंने जो है ना एक लाइट ऑर्डर की थी जो मुझे बर्थडे वाले दिन रिसीव हो गई है। ये तोहफा नहीं है, पैसे खर्चे हैं, 1000 रुपया खर्चे है, फिर तोहफा आया है। तो इस लाइट को देखते हैं मैंने क्या मंगवाया और आपको भी मैं दिखाता हूँ। मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, ये देखें, ये इस तरह की पैकिंग में आई है। और ये देखें, ये इसके साथ चार्जिंग पोर्ट है। ये कुछ मैग्नेट्स दिए हैं जो कि एक चीज़ जो है वो इसके साथ लग जाएगी और एक चीज़ जो है वो जहाँ दूसरी जगह है वहाँ लग जाएगी। मंगवाने का मकसद क्या है देखें। अब ये लाइट है, ये मैं जैसे इसके आगे हाथ करूँगा, ये देखें, चेक करें, ये है इसका सीन। ये है, मैंने रात इसलिए मंगवाई है क्योंकि रात को जब हम उठते हैं तो बेडरूम में काफ़ी अंधेरा होता है, वॉशरूम वाली साइड पे काफ़ी अंधेरा होता है। तो अक्सर जो है ना वो पाँव बचता है कभी कहीं फर्नीचर के साथ या इधर उधर दीवार के साथ। तो ये सेंसर वाली लाइट है, इसलिए मैंने मंगवाई है। लाइट है सारी जो मैंने आपको दिखाई, ये ऊपर बटन है इसके, यहाँ पे इसके बटन में मतलब इस लाइट के 3 फंक्शन है। एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाती है, पहले दफ़ा प्रेस करेंगे ये स्टिल ऑन रहेगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये जो है अंधेरा डिटेक्ट करेगी तो खुद ही चल जाएगी। ये भी फंक्शन है कि जब ये पूरा अंधेरा हो जाएगा किसी जगह पर तो ये खुद ही ऑन हो जाएगी। और फिर तीसरा वाला जो है वो सेंसर वाला है जिस मकसद के लिए मैंने मंगवाई है कि रात को हम जब इसके आगे से गुजरें तो ये रोशन हो जाए, थोड़ी सी जगह रोशनी कर दे। जी निकल पड़े हैं जो दफ्तर की तरफ और ये देख सकते हैं आप, उन्होंने कहा बर्थडे जड़ी है ना कल्ले कल्ले सेलिब्रेट नहीं करनी है, मैं भी ना आ ली हूँ। तो ये मेरे साथ चल रहे हैं क्योंकि इनका मेन मकसद है कि ये सुबह सुबह साइकिल का टायर और ट्यूब फाड़ के आ गए हैं, तो ये मेरे पास वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर ये आगे नीला गुंबद जाएंगे और वहाँ से अपनी चीज़ लेके आएंगे। ये इसलिए मेरे साथ हैं, तो वहीं चलते हैं। मगरिब का टाइम हुआ चाहता है और नमाज पढ़ने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले देखेंगे क्या आया यार, ये अब जुल्म है। सर्दी में आपको पता है कि जुल्म हो जाता है। ये देखें, मैं वीडियो, बेगम ने वीडियो भेजी है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, चेक करें, ये माशाल्लाह घर में जो है ना बेगम, ये ओवन की वीडियो है, ये बेकिंग चल रही है और बेहतरीन किस्म के ये कटल्स टाइप हैं या ये चिकन ब्रेड टाइप है जो भी है ये तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ना वो मसला ख़राब है, इसे जल्दी घर भागना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले नमाज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें, चेक करें, ये देखें, चेक करें, ये तैयारियां पता है किस चीज़ की हो रही हैं, ये जो खर्चा कराने जा रहे हैं ना जिस मकसद से ये आए हैं, मतलब अंदाज़ा लगाएं, आपके अंदाज़ा लगा लो तुम कि मैं कह रहे हैं कि बर्थडे मेरी ये खर्चे है करते, मैं चीज़ें इन्ना चाहिए ने, हाँ जी ठीक है जनाब। अब लेने जा रहा हूँ मैं टायर और ट्यूब, बाबा से मैंने पैसे उसे निकलवा लिए, तो अब चलते हैं नीला गुंबद। नीला गुंबद जी, नीला गुंबद, ये देखें जी टायर ले लिया और ट्यूब वो शॉपर में है आगे, ये देखें ओमेगा का ओरिजिनल टायर, क्या बात। ये चेक करें जी, ये देखें ये जुमड़े करके आ गए हैं, खर्चा करा के उसको गले का हार बना के पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हो गया जी खर्चा। चले टायर आ चुका है जी और ट्यूब भी आ गई है। माल रोड पे हम रुक चुके हैं, निकल पड़े थे शॉप से, तो जहीम साहब ने अचानक जी रोके 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 रोके, मैं कोई की हो गया है, कहंदा जी रोके गाड़ी में, क्या हुआ है? ये देखें, मैं क्या है ये, वहाँ लिखा हुआ था जी बर्गर, कोई पता नहीं क्या कहते, यहाँ का बर्गर बड़ा अच्छा है जी, मैंने खाना है। तो साथ ही कहता जी उस दिन मैं आया था तो बर्गर रह गया था ना, ये वो वाला बर्गर खाना है, मैं कहा छड्डी ना कुछ है। तो जहीम साहब जो है वो बर्गर लेने चले गए और मुझे यहाँ टंगा आ गए, मैं वेट कर रहा हूँ उसका।
चेक करें जी, ये देखें खुशियाँ चेक करें माशाल्लाह हैं जी। ये देखें फ्राइज हैं और क्या लाए हो भाई? और ये है जी जिंगर बर्गर, माशाल्लाह बेहतरीन। निपटा रही हैं जी, इसको निपटाते हैं। लें जी घर जो है वो पहुंच चुके हैं, ठीक है। और आते सार मैंने जो है ना फटाफट जो है वो वजू बना लिया है, क्योंकि गर्मा गर्म पानी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा था। मैं कहा इससे पहले कि गैस चली जाए और ठंडे पानी से वजू बनाना पड़े, वजू बना के अब मैं पढ़ूंगा इशा की नमाज। उसके बाद ना बस फिर मैं इतों हिलना नहीं, इतने ए लम्मा पै गया ना मैं, तो ऐ जी रजाई उत्ते कर लेनी है, तो बस फिर जरा ना बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। 9 बजे और ऐसे यूं गाड़ी से मुंह बाहर निकाल के जो है ना घर पहुंचे हैं, इतनी धुंध है बाहर और इतनी ठंड है। तो बस नमाज पढ़ते हैं फिर आपसे मिलते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और ये वो जो वीडियो में दफ्तर में बैठा दिखा रहा था, आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हाथों में ये आ चुका है और इसको निपटाएंगे। और इसके साथ जो है वो काले चने के साथ फिश के साथ चावल भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस डिनर करते हैं आ जाएं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें क्या ये देखें आज मैंने ना पोल खोल दिया, ये आपस में यूं झगड़ते हैं जैसे आपको फ्रेंड स्क्रीन में वैसे बाई 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 करके ये आपस में ये हालत करते हैं एक दूसरे की। यार छुप के मैंने दिखा दी है आपको। ताज़ा ताज़ा बेहतरीन गर्मा गर्म आ चुका है गजरेला, खा पी के हो गए फारिग। और ये देखें एक ये शक्ल है और एक ये शक्ल है, जो कि रात के 11:30 बज गए हैं और इन्होंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। ये भी ठंडे पानी से ना वजू बनाने जा रहे हैं, ऐसे ही है जी, ठीक है। और हमारे हाथ में है मज़ेदार गर्मा गर्म गजरेला, तो ये गजरेला मैं अब इंजॉय करने लगा हूँ। और अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ कि जब ये शक्लें ठंडे पानी से वजू करके निकलेंगी तो ये कैसी दिखती हैं। ये देखें जी, हो चुका जी ठंडे पानी से वजू, ठीक है। और ओए होए होए होए, ये एक्सप्रेशन जो है ना, ओए होए होए होए, ठीक है जी। तो ये आलम है यहाँ पे, और ये मेरे कल वाला जो चाट है ये इन्होंने इस तरह ये लैंप के साथ लगा दिया। चल रहने दे 2 दिन खुद ही जो है ना वो। तो इसी के साथ जी आज का व्लॉग भी एंड करते हैं, ठीक है। आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नीयत नहीं तुम्हारी बन रही।